दुजाना गांव में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हनुवंत सिंह राठौर से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षक के खाते से 80,000 रुपए निकाली हैं। शिक्षक ने पुलिस थाने में अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हनुवंत सिंह राठौर सिंदूर गांव के राजकीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने सैलरी अकाउंट तखतगढ़ SBI बैंक में खुलवाया था। 7 जुलाई को शिक्षक हनुमत सिंह राठौर के खाते से 40,000 रुपए डेबिट हुए हैं। इसके बाद 20,000 दो बार ATM से निकाले गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षक हनुमत सिंह राठौर ने अपना ATM कार्ड किसी भी व्यक्ति को पैसा निकालने के लिए नहीं दिया और ना ही बैंक में ATM कार्ड को बंद करवाने को कहा है। उसी समय शिक्षक हनुमत सिंह राठौर के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया कि आपके डेबिट कार्ड को बंद कर दिया गया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षक हनुमत सिंह राठौर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनके साथ धोखाधड़ी की है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।